हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हिमांश में। हमने क्लास नाइन्थ के फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा फिफ्थ चैप्टर है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। देखिए इसमें दिया गया है, नाजीवाद फासिस्ट का जर्मन रूप था। किसका रूप था? जर्मन फासिज्म का। नाजीवाद हिटलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था। जो नाजीवाद है वो किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था? वो हिटलर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। पूछा जा सकता है कि नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था, तो उसका उदय हुआ था जर्मनी में। नाजीवाद में राष्ट्रहित सर्वोपरि था। नाजीवाद में क्या था? जो राष्ट्रहित है वो क्या था? सर्वोपरि था। नाजीवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा जनतंत्र विरोधी था। नाजीवाद उग्र राष्ट्रवाद का प्रबल समर्थक था। जो नाजीवाद था वो किसका प्रबल समर्थक था? वो उग्र राष्ट्रवाद का प्रबल समर्थक था। नेक्स्ट है, हिटलर नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण। देखिए इसके जो हिटलर जो द्वारा जो नाजीवाद का वो किया गया था, तो इसके क्या क्या कारण थे? तो इसका देखिए फर्स्ट कारण है वर्साय की अपमानजनक संधि। सेकेंड है वाइमर गणतंत्र की विफलता। थर्ड है विश्व की आर्थिक मंदी का प्रभाव। और फोर्थ है साम्यवाद का विरोध। और फिफ्थ नंबर है यहूदी विरोधी भावना। ये आपके नाजीवाद उत्कर्ष के कुछ प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट है हिटलर की आत्मकथा का नाम मेरा संघर्ष मैन कैम्फ था। जो हिटलर की आत्मकथा थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेरा संघर्ष मैन कैम्फ। हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन कर देश की स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न किया था। जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 1933 में हिटलर कहाँ का चांसलर बना था? तो वो जर्मनी का चांसलर बना था। हिटलर की गृह नीति, अब उसकी गृह नीति कौन सी क्या थी? तो हिटलर 1934 में अधिक नायक तंत्र की स्थापना कर जर्मनी का तानाशाह यानी फ्यूहर बन गया। और नेक्स्ट है हिटलर ने एक राष्ट्र एक देश और एक नेता का नारा दिया था। हिटलर ने कौन सा नारा दिया था? तो हिटलर ने नारा दिया था एक राष्ट्र एक देश और एक नेता का नारा दिया। चलिए अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज को कर लेते हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इटली में, जापान में या ऑस्ट्रिया में? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। सेकंड है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट या कबूतर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वास्तिक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त को 1919 को हुई थी। कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 14 अगस्त 1919 को वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो वो बने थे बी, 1933 ईस्वी में। कब बने थे? 1933 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र और एक नेता का नारा बी आंसर हो जाएगा इसका, हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, हिटलर ने जर्मनी में किसी प्रकार के राज्य की स्थापना, किस प्रकार के राज्य की स्थापना की थी? तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वाधिकारवादी। किस राज्य की स्थापना की? सर्वाधिकारवादी की। नेक्स्ट है नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? जो नाजीवादी थे वो किस सिद्धांत का विरोधी था? उग्र राष्ट्रवाद का, सैनिकवाद का, समाजवाद का या पूंजीवाद का? तो राइट आंसर इज सी, समाजवाद का। नेक्स्ट है एट नंबर, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, रूस से या इंग्लैंड से? तो राइट आंसर इज ए, जर्मनी से। नाइन नंबर क्वेश्चन है आयरन क्रॉस क्या था? तो आयरन क्रॉस क्या था? जर्मनी का वीरता पुरस्कार, लोहे का यंत्र या सड़क का चौराहा या मृत्युदंड देने की मशीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी का वीरता पुरस्कार। आयरन क्रॉस क्या था? जर्मनी का वीरता पुरस्कार था। टेन नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाजीवाद किसका समर्थक था?
नाजीवाद था वो किसका समर्थक था? राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, या इसमें से किसी का नहीं? तो राइट आंसर इज सी, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। 11 नंबर क्वेश्चन है, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ कहाँ हुआ था? तो इसका उदय हुआ था आपका जर्मनी में। 12 नंबर क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा लाल, पीला, हरा या काला। तो राइट आंसर इज ए, लाल रंग का। नेक्स्ट है, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1939 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जालमर शास्ट को। किसे नियुक्त किया था? जालमर शास्ट को नियुक्त किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? जनरल फ्रांको था वो कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्मिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी, जापान और इटली। नेक्स्ट है 17 नंबर, मीन कैंप किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, हिटलर की। जो मीन कैंप है किसकी रचना है? हिटलर की है। प्लीज़ दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रूर। क्या था? रूर था। नेक्स्ट, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्क। क्या था? मार्क था। 20 नंबर है, चतुर्थवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1936 में। कब लागू की गई थी? 1936 में लागू की गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, अभी सीनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी और इटली। 22 नंबर है, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, गणतंत्र के समर्थकों को। किसे कहा गया था? गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया था। 23 नंबर है, जर्मन संसद का नाम क्या था? तो इसका 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रिच स्टॉक। क्या था? रिच स्टॉक था। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। जो ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया था। 25 नंबर है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। 26 नंबर है, कितने वर्ष के आयु के बच्चों को जंग वॉल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम बच्चों को शामिल किया गया था। 27 नंबर है, जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1926 में। 28 नंबर है, गेस्टापो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्तचर पुलिस दल। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था। 29 नंबर है, हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यहूदी। 30 नंबर है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गोबेल्स। कौन था? गोबेल्स था हिटलर का प्रचार मंत्री। 31 नंबर है, हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1933 में। कब छोड़ी थी? 1933 में सदस्यता छोड़ दी थी।
32 नंबर है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पोलैंड पर आक्रमण से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6 नंबर का, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। क्या है? आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है, आदिवासियों के पूजा स्थल को सारना स्थल के नाम से जाना जाता था। जो आदिवासियों का जो पूजा स्थल था उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे सारना स्थल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, जनजातियों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः शिकार, खाद्य संकलन, मछली मारण, पशुचारण, स्थानांतरण कृषि, स्थायी कृषि, दस्तकारी कर्म और श्रम पर आधारित है। जो जनजातियों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? शिकार, खाद्य संकलन, मछली मारण, पशुचारण, स्थानांतरण कृषि, स्थायी कृषि, दस्तकारी कर्म और श्रम पर आधारित है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल की खेती में तेजी से फैलाव आया। जो औपनिवेशिक काल में क्या होता, खेती में बहुत ही तेजी से फैलाव आया था। वनों की कटाई की प्रक्रिया को वन नाशन कहते हैं। जो वनों की कटाई होती है, प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वन नाशन कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने सन 1864 ईस्वी में सर डाइट्रिच बैंड्रेस की नियुक्ति भारतीय वन के प्रधान निरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया के रूप में किया था। नेक्स्ट, 1865 ईस्वी में प्रथम वन अधिनियम लागू हुआ। जो प्रथम वन अधिनियम लागू कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1865 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट, 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में हुई थी। जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, झूम खेती को घुमंतू खेती या स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। झूम खेती को और किस किस नाम से जाना जाता है? घुमंतू खेती और स्थानांतरण खेती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल से आदिवासी समाज समुदाय या समूह में रहता आया है। प्राचीन काल से ही आदिवासी समाज समूह समुदाय या समूह में ही रहता आया है। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ ही है जो आदि से है, यानी कि जो यहाँ के असली निवासी हैं। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो आदि से है, यानी कि जो यहाँ के असली निवासी हैं। नेक्स्ट, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत के अधिकांश आदिवासी क्षेत्र अंग्रेजों के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए थे। अब हम 6 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे थे अभी, 6 चैप्टर का आदिवासी समाज और उपनिवेश के अभी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो भारतीय वन अधिनियम है वो हुआ था आपका 1865 को। कब पारित हुआ था? 1865 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था आपका 1750 यानी 1750 में हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नाम आदिवासियों में लिए प्रयुक्त नहीं होता है? आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता, वन्य समुदाय, जनजाति, वन्य जाति या दीकू। तो राइट आंसर इस थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, दीकू। फोर्थ नंबर है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इंपॉर्टेंट है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिद्धू। सिद्धू कौन थे? संथाल विद्रोह का विद्रोह के नेता थे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है? अफ्रीका में, भारत में, नेपाल में या चीन में? तो राइट आंसर इज अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा कहाँ है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी? अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 7 नंबर, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो 7th का राइट आंसर हो जाएगा ए, तिलका मांझी ने। तिलका मांझी कौन थे? सबसे पहले संथाली थे जिन्होंने अंग्रेजों पे हथियार उठाया था।
एट नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, धरती आबा किसे कहा जाता है? तो एट का राइट आंसर हो जाएगा बी, बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा कहा जाता है, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। नाइन नंबर है, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है? इसमें पूछा जा रहा है कि संबंध नहीं रखता है। कभी भी एग्जाम में दोस्तों नहीं पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि हमारा, हम जब अचानक से इसको नहीं पढ़ते हैं और उसी से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो नाइन्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कथक। जबकि झूमर, डोमकच और छऊ क्या है? आदिवासियों के नृत्य हैं। टेन नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? टेन नंबर है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1874 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इलेवन नंबर है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो इलेवंथ का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1789 में तमार विद्रोह हुआ था। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है आपका, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? जो चेरो जनजाति थी वो कहाँ की रहने वाली थी? रांची, पटना, भागलपुर या पलामू की? तो ट्वेल्व का राइट आंसर हो जाएगा डी, पलामू की। जो चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? पलामू की रहने वाली थी। थर्टी नंबर, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो थर्टीन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉल ने। किसने बनाया था? कॉल ने। 14 नंबर है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? जो भूमिज विद्रोह है वो कब हुआ था? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में हुआ था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन आपका, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? जो सरहुल का पर्व है वो कौन मनाते हैं? औराव, कॉल, मीणा या मुंडा? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुंडा। मुंडा क्या करते हैं? सरहुल पर्व को मनाते हैं। 16 नंबर है, दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संथाल जनजाति का। जो दामिन ई कोह है वो किस जनजाति का इलाका था? वो संथाल जनजाति का इलाका था। 17 नंबर है, कंध विद्रोह, कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में या बिहार में? तो राइट आंसर इज ए, उड़ीसा में। कंध विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, चक्र विसोई का किस विद्रोह में योगदान था? जो चक्र विसोई थे उनका किस विद्रोह में योगदान था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कंध विद्रोह में। किस में था? कंध विद्रोह में। 19 नंबर है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़ते हुए, गोली लगने से, सीढ़ी से गिरकर या हैजा से? तो राइट आंसर इज डी, हैजा से। 20 नंबर क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह कब हुआ, शुरू हुआ? जो चुआर विद्रोह था वो कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1771 ईस्वी में। कब हुआ था? 1771 ईस्वी में चुआर विद्रोह शुरू हुआ था। 21 है, तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? जो तिलका मांझी थे उसे कब फांसी दी गई थी? तो उन्हें दी गई थी 1784 ईस्वी में। तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? 1784 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। 22 नंबर है, जनजातियां दीकू किसे कहते या कहते सॉरी किसे कहते थे? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाहरी लोगों को। 23 नंबर है, मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कंध में। कंध में मरिया प्रथा प्रचलित थी। 24 नंबर है, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भील। जो भील है भारत में सबसे ज़्यादा निवास करने वाली जनजाति है। 25 नंबर है, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिद्धू। सिद्धू 1855 के संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता था। 26 नंबर है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 दिसंबर 1899 को मिशनरियों पर हमला किया था।
27 नंबर है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, धारा 342 के द्वारा। ट्वेंटी एट नंबर है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था। 29 नंबर है, डाइट्रिज ब्रांडेस कौन था? तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया। 30 नंबर है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। 31 नंबर है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? मंगल पांडे की, गुंडा धुरू की, जत्रा भगत की या शिबू सोरेन की? तो राइट आंसर इज बी, गुंडा धुर की। 32 नंबर है, कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? बिरसा मुंडा ने, चक्र विस्नोई ने, तिलका मांझी ने या गुंडा धुर ने? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तिलका मांझी ने। तिलका मांझी ने किसकी हत्या की थी? कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या की थी। 33 नंबर है आपका, बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1910 ईस्वी में। 34 नंबर है, सिद्धू और कानू किस विद्रोह के नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संथाल विद्रोह के। जो सिद्धू और कानू थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे। 35 नंबर है, कौल विद्रोह कब हुआ था? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1831 से 32 में कौल विद्रोह हुआ था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।